नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम निशा है। नहीं है रिस्क, लालटेन है फिक्स, ये नारा तो आपको याद ही होगा। लालटेन मतलब लालू और लालू मतलब बिहार। बिहार की सियासत का बेताज बादशाह, जो आज भले ही बिहार के किसी मंत्री पद पर काबिज ना हो, लेकिन आज भी इस नाम की चर्चा हर तरफ है। आज जानेंगे इस परिवार के बारे में। ये जानेंगे कि लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियां आखिर कहाँ हैं। बिहार की सियासत का एक ऐसा परिवार जिसे बिहार का फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली भी कहा जाता है। लालू यादव एक ऐसा नाम जो ना सिर्फ बिहार बल्कि देश में अपने नाम का डंका बजवा चुका है। इनका परिवार इन दिनों चर्चे में बना हुआ है। कारण है इनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो बिहार के दूसरी बार डिप्टी CM बने हैं। इनका पूरा परिवार लगभग राजनीति से ही जुड़ा हुआ है। लालू यादव की 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। विस्तार से जानिए ये 7 बेटियां कहाँ हैं और किन से इनकी शादी हुई है। पहली बेटी का नाम मिशा भारती है। ये राज्यसभा की सदस्य है। अक्सर वो लालू यादव के साथ देखी जाती है। इनकी शादी 1999 में शैलेश कुमार से हुई थी। वो पेशे से एक इंजीनियर हैं। इनके 3 संतान हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। दूसरी बेटी का नाम रोहिणी आचार्य है। इनका खबरों से पुराना नाता है। अक्सर ये ट्विटर पर खूब एक्टिव रहती हैं और विरोधियों को अपने ट्वीट किए गए भाषण से झटका भी देती रहती है। इनकी शादी 2002 में औरंगाबाद के समरेश सिंह से हुई थी। वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है। फिलहाल वो अपने पति के साथ सिंगापुर में रहती है। रोहिणी के भी 3 बच्चे हैं। अब बात लालू की तीसरी बेटी की, जिनका नाम चंदा यादव है। ये लाइमलाइट से दूर रहती है। इनकी शादी 2006 में विक्रम सिंह से हुई थी, जो इंडियन एयरलाइंस में पायलट है। उनकी चौथी बेटी का नाम है रागिनी यादव। इनकी शादी 2012 में राहुल यादव से हुई थी। राहुल समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव के बेटे हैं, जो कुछ दिनों के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे। लालू और राबड़ी की 5वीं बेटी का नाम हेमा यादव है। उनकी शादी दिल्ली के एक राजनीतिक परिवार में हुई थी। हेमा ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। हेमा के पति का नाम विनित यादव है। वो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। अब बात अनुष्का राव की। ये लालू यादव की 6वीं बेटी है। इनकी शादी हरियाणा के अजय सिंह के बेटे चिरंजीवी राव से हुई थी। बता दें कि अजय सिंह हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। राजलक्ष्मी यादव ये लालू यादव की 7वीं बेटी हैं और सबसे छोटी भी। इनकी शादी समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह के पोते तेज प्रताप यादव से हुई थी। ये शादी काफी हाई प्रोफाइल रही थी, जिसमें कई बड़े नेता भी शामिल हुए थे। लालू यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव। बिहार में ये तेजू भैया के नाम से खूब मशहूर हैं। इनके बारे में आए दिन खबरें छपती रहती हैं। इनकी शादी 2018 में हुई थी, लेकिन ये शादी नहीं चली और जल्द ही टूट गई। अब बात लालू और रावड़ी के आखिरी संतान, जिनका नाम तेजस्वी यादव है। ये लालू के छोटे बेटे हैं, या यूं कह ले कि लालू यादव के बाद राजद के कर्ता धरता। वर्तमान में ये बिहार के डिप्टी CM हैं। इनकी शादी बिहार में खूब सुर्खियां बटोर रही थी। तेजस्वी यादव ने 2021 में रेचल नाम की एक लड़की से शादी की, जो अब बिहार में राजश्री यादव के नाम से जानी जाती है। रेचल हरियाणा की रहने वाली है। बता दें कि रेचल हरियाणा की रहने वाली है। इन दोनों की शादी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। हाल ही में ये भी कहा जा रहा है कि रेचल तेजस्वी यादव के लिए खूब लकी साबित हो रही है। तो ये जानकारी थी लालू प्रसाद यादव के परिवार के बारे में। अब एक सवाल, विपक्षी पार्टियों के द्वारा बार बार जंगल राज की बात कहकर RJD पर निशाना साधते रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की छवि को सुधारने में कामयाब हो पाएंगे? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल आप तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी न्यूज के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।